तो उतना वोल्टेज वो निकाल के उधर देगी तो वो सेक्शन काम करेगा, नहीं तो काम करेगा क्या? नहीं तो मोबाइल में तो हमारे सिर्फ एक ही बैटरी है लेकिन सेक्शन तो बहुत सारे हैं। जितने सेक्शन है अगर उतने बैटरी लगा लिए तो मोबाइल और डिस्प्ले छोटा और बैटरियां ज्यादा होती होती कि नहीं होती। तो हमारे पास एक ही जोड़ से एक ही वोल्टेज से एक ही वोल्टेज सोर्स से बहुत सारे सेक्शन को हम क्या कराते हैं, एक्टिवेट कराते, बहुत सारे सेक्शन को वर्क कराते। तो उसको हम पावर एक ही पावर से बहुत सारे पावर अलग अलग अंदर बना लेते हैं। जैसा पावर एसी के आउटपुट में देखेंगे तो उसको एलडीओ सप्लाई बोलते हैं, जहां पे आपको 1.0, 1.8, 1.2, 2.0, 2.3, 3.3, 3.6 इस तरह के वोल्टेजेस मिलते हैं आपको पावर के पास में। तो अलग अलग पावर एसी में अलग अलग एलडीओ रहते हैं, किसी में 23 एलडीओ रहते हैं, किसी में 17 एलडीओ, किसी में 19 एलडीओ, अलग अलग पावर एसी के हिसाब से अलग अलग। जैसा एक अलग अलग एरिया का अगर घर है तो उतने ही कमरे रहेंगे क्या सब में? सबके हिसाब से रहते ना भाई। अब यहाँ चार फ्लोर है तो क्या चार फ्लोर एक जैसे है क्या? नहीं, अलग अलग। ऐसे ही बहुत सारे वोल्टेजेस चाहिए तो एक आईसी से हम क्या निकालते हैं, आउटपुट में वोल्टेजेस निकालते हैं। तो आईसी तो आउटपुट तो निकालती लेकिन सबसे पहले हमारे को उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इनपुट। इनपुट देंगे तभी तो आउटपुट निकलेगा। उसको चारा खिलाएंगे तो दूध देगी, बोलते ना ऐसा, वर्कर को सैलरी देंगे तो काम करेगा। मतलब आप इनपुट देंगे तो ही आउटपुट निकलेगा, बैटरी चार्ज देगी तो ही मोबाइल चलेगा, नहीं तो चलेगा क्या? वैसे है ना। तो इनपुट में बहुत सारी चीजें देना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप बैटरी कनेक्ट कर दिए तो ये हो गया हमारा वोल्टेज का सोर्स। बैटरी से वोल्टेज आएगा मोबाइल के अंदर या तो चार्जर से आएगा। तो हर बार चार्जर लगा के तो घूम नहीं सकते अपन, तो कंपनी वाला क्या लगा देता है, मोबाइल हमारा चल रहा है डीसी करंट से। एसी करंट में आप प्लग लगा के छोड़ दो कभी चार्जिंग उतरती नहीं, लेकिन इसमें बैटरी एसी में क्या रहता है, बैटरी रहता है, इसमें हम चार्ज करके रख लेते हैं, जितना देर वो चलेगा उतना देर चलेगा, फिर बैटरी उतरी तो चार्जिंग मोबाइल बंद। यही नाम अगर आईफोन में देखोगे तो BCC बोलते हो। क्या बोलते हैं? हमारा आईफोन तो नहीं है, एंड्रॉइड में जो आते हैं तीन CPU आते हैं, MediaTek, Qualcomm में जो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्यों लिख दिया मैं, मतलब Qualcomm, VS वायर मतलब VBAT मतलब Samsung में आता ना आपको, तो तीन CPU है तो तीनों में लेकिन वोल्टेज सेम ही रहेगा, काम सब सेम ही रहेगा लेकिन नाम अलग अलग, समझ गए, नाम अलग अलग हो जाता है। ये आगे पढ़ने वाला है अपने, अभी तो जरूरत नहीं है, अभी तो समझ लो ये बैटरी की सप्लाई आप दे दिए समझ लो, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर बना दिया मैं एक, और एक साइड तो क्या है ये सिंबल जो देख रहे हो आप, ये किसका सिंबल है, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी बना दिए, यहाँ पे भी बना दिए। इस तरह का सिंबल कहीं पे भी दिख जाओ तो वो क्या रहेगा, समझ सकते ना। तो ये हो गया।